आज दिनांक 1/1/2022 है। आज के दिन बहुत सारे लोग घूमने के लिए बहुत से स्थानों पर जाते हैं और वन भोज का भी कार्यक्रम करते हैं। वन भोज के दौरान मुर्गा, मीट, मछली एवं शराब का भी सेवन करते हैं और आए दिन रोडों में अधिकतर सड़क दुर्घटना शराब के कारण होती है। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग 1 जनवरी के दिन अपने अपने परिवार के लिए देवी देवताओं के शरण में आते हैं और पूरे साल अपने परिवार के लिए सुख शांति के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं। राजगंज और तोपचाची के बीच एक जगह गंगापुर, यहाँ वर्षों पुरानी माँ लिलोरी की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि जो भी माँ के दरबार में सच्चे मन से मन्नत मांगता है, माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। जानकारों के अनुसार यह मंदिर 800 साल पुरानी है। जानकारी के अनुसार यह कहा जाता है कि माँ की स्थापना मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के वंशज से ताल्लुक रखने वाले राजा सुदम सिंह के द्वारा माँ लिलोरी की स्थापना की गई थी। बाद में यही माँ लिलोरी को ले जाकर कतरास में स्थापना किया गया। आपका नाम क्या हुआ सर? मैं सृष्टि दरबावरी और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं इस परिसर में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है कि यहाँ का जो मंदिर परिसर है, यहाँ का जो आस्था है माँ नीलकंठ वासिनी का, मेरा आंखों देखा हाल है। हम लोग एक पूरा परिवार के साथ आए हुए थे, एक छोटा सा नन्हा सा बालक यहाँ से गुम हो गया था और उस नन्हे बालक को हम लोग खोजते खोजते इधर उधर छानबीन करने के बावजूद भी अंत में नहीं मिला था। बाद में जाकर किसी एक दूसरे घर में बाहर के उस पार में जाकर के गांव में जाकर के वो बच्चा मिला। तो माँ से यहाँ आने के बाद लोगों का इतना मैंने आकर्षित होते हैं कि यहाँ कुछ भी आने से माँ उसको पूरा मन्नत को पूरा करते हैं। माँ से सारे लोग यहाँ आने के बाद अपने मन में इतना उल्लास करते हैं कि जीवन में उनका कभी वो कमी महसूस नहीं होते हैं। माँ से बार बार सारे लोग, हम लोग देखिए आज उतने दूर से यहाँ से आ गए, मेरे पास कोई साधन नहीं है, फिर भी मन माँ की आस्था है। आस्था होने के साथ हम लोग क्या पैदल चले आए वहाँ से और उतना दूर से पैदल चले गए तो फाग माँ को फिर भूल जाती है, फिर यहाँ से फिर वहाँ वापस जाएंगे सभी। ये जो सर घटना, कब की घटना सर, जो बच्चा गुम हो गया? 2020 की घटना है, 2021 की घटना है। ये हमारे नेपाल आपका नारायण ठाकुर का जो लड़का है, उनका वहाँ पूरे परिवार के साथ यहाँ माँ को दर्शन करने के लिए आए हुए थे और उसी क्रम में बच्चे खेलते खेलते वो चले गए थे उस पार नदी के खेत के उस पार। फिर वहाँ से फिर हम लोग खोजते 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 फिर बच्चा जाकर के सुरक्षित गिर गया। फिर माँ को आकर के फिर प्रणाम किए, फिर हम लोग साथ में शाम के टाइम में फिर यहाँ से हम लोग वापस गए। तो माँ का ही एक आस्था है कि यहाँ कुछ भी होने से माँ यहाँ पूरा करती है। माँ को इसे बार बार माँ को बार बार इसलिए यहाँ लोग बारम्बार यहाँ आते रहते हैं। जैसा कि मैं एक श्रद्धालु से मिला, बहुत ही अच्छा सटीक जानकारी दिए कि एक बच्चा गुम हो गया था और माँ का कृपा रहा, माँ से दंडवत निवेदन किया तो माँ के द्वारा बच्चा को मैंने सुरक्षित और स्वस्थ मिला। हाँ, ये कौन भाई साहब जो बोल? कटिंग करो। सर आपका परिचय? सर मेरा नाम अरुण कुमार केसरी है, मैं राजगंज डिग्री कॉलेज में कॉमर्स का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सर ये जो नया साल के शुरुआत पे आप जो माँ का दर्शन करने के लिए आए हो, मैं लड़का लोगों को क्या इसमें आप संदेश देना चाहते हैं? मैं लड़के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पढ़ाई में तो लड़के लोग आगे बढ़ गए हैं, कंप्यूटराइज दुनिया हो गया है, लेकिन मॉरल वैल्यू जो है वो घटते जा रहा है। हम यही कहेंगे कि नैतिकता का वृद्धि लड़का लोग करें ताकि हमारा समाज का डेवलपमेंट हो सके, समाज में संस्कार बढ़े और हमारे परिवार जो आज विकृत होते जा रहा है उसको एकीकृत करें। काहे आज देखते हैं एकल परिवार के और लोग जा रहे हैं जो कि गलत है, माँ पिताजी पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। मेरा यही संदेश है कि माँ पिताजी सारा को कंबाइंड बना के चले, एजुकेशन को बढ़ावे और सरकार को ये हिदायत दे ताकि वो सरकार जो है सो नौकरी क्रिएट करे ताकि लड़के लोग को अधिक से अधिक नौकरी हो सके, यही हम कहना चाहते हैं। सर ये माँ का आस्था के बारे में थोड़ा बताएं। ये माँ का आस्था ऐसा है, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि एक गाड़ी मैं खरीदा था, गाड़ी खरीदने के बाद मेरा बेटा जो है बहुत गाड़ी कम चलाता था, अपनी बहन को लेकर के यहाँ से जा रहा और जाने के क्रम में एक पुल के नीचे वो फेंका गया। पुल के नीचे फेंकाने के बाद भी उस लड़के को एक खरोच भी नहीं आया और मेरी बेटी को भी एक खरोच नहीं आया, समझे ना। ये माँ का आस्था है, माँ का ये प्रतीक है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रत्येक साल या प्रत्येक महीना यहाँ आता है तो उसकी सारी बाधाएँ दूर हो जाती है माँ की कृपा से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सर ने बहुत ही अच्छा विचार और जानकारी दिए।